तो दोस्तों फाइनली Redmi Note 8 Pro ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन लिस्ट हो चुका है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन MediaTek के Helio G90T का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और दोस्तों इस बार स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है कॉर्निंग के Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका प्राइसिंग और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन होने वाला है वो होने वाला है Redmi K20 के जैसा ही, जो कि आने वाला है ग्लास फिनिशिंग के साथ और आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है कॉर्निंग के Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों साइड ही, और उसके साथ ही दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है बैक साइड में 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट। बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6.39 इंच का एक फुल HD प्लस का स्क्रीन, जो कि आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, और उसके साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन के बैक साइड में देखने को मिलने वाला है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसके साथ ही यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, जो कि आने वाला है सैमसंग GW1 के सेंसर के साथ, और उसके साथ ही यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो ये तो बहुत ही पहले कंफर्म हो चुका था कि आपको इस स्मार्टफोन में MediaTek के Helio G90T का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि स्नैपड्रैगन के 730 जैसा ही प्रोसेसर है और बहुत ही पावरफुल है। आप इस स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मल्टीटास्किंग गेम खेल पाएंगे, तो आपको इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बात करें वहीं स्मार्टफोन की बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी, जो कि ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जो कि आने वाला है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, आयर ब्लास्टर और यहाँ पर NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। और बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि आने वाला है MIUI 10 के साथ, और उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको 3 रैम वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है 14,000 rupees, 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है 16,000 rupees, और 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाला है 18,000 rupees के करीबन। और अब बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को चाइना में 29 अगस्त को लॉन्च किया जाने वाला है, उसके बाद इस स्मार्टफोन को सितंबर के महीने में इंडिया में लेकर आया जाएगा, यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन का ऑफिशियली जो लॉन्च डेट होने वाला है इंडिया का वो होने वाला है सितंबर के आखिरी वीकेंड में। तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को अक्टूबर के फर्स्ट वीक से परचेस कर सकेंगे फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लिख्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।